धीरे धीरे भैया, धीरे 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 सस्ती रेंज रोवर। Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me। तो भाई ये देखो, बड़े पापा के साथ बाहर आ गई हाथ पकड़ के, और सीधे जाते ही पहले उसने स्लीपर पहन रही है, क्योंकि इसे पता है कि जब भी बाहर जाना है तो भाई स्लीपर पहन के ही जाना है, ऐसे जाने नहीं है। और बाहर देखो क्या मस्त बारिश हो रही है, मस्त एकदम मस्त। ये देखो भाई क्या मस्त बारिश चल रही है भाई, और लिटरली पता है कंटिन्यूसली सुबह से मतलब बारिश चल रही है 3-4 बजे से, और अभी तक मतलब चल रही है भाई, देख लो भाई। और मौसम आजकल मौसम मतलब ये ऐसे ही वाला मौसम है कि पूरे दिन बारिश होनी है। तो भाई ये देखो परम आ रही है हमारी, बड़े पापा के साथ आ रही है, आ जाओ परम। अच्छा इसे पता है कि भाई जब अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें स्लीपर पहन के जाना है, नहीं तो जाना ही नहीं है, और इसलिए देखो स्लीपर पहन के आ रही है। आ गई। हाँ बेटू, हाँ बेटू आ जाओ, हाँ बेटू कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है? बाहर बाहर तो बारिश हो रही है, देखो मुझे बारिश में जाना है। बेटे चलो पीछे। भाई ऐसे हाथ ले जा रही है बारिश में, ऐसे हाथ ले जा रही है, इसको अच्छा लग रहा है। नहीं लेकिन बिजली हो रही है ठंडे, और अब तेज हो गई, देखो बारिश अब तेज हो गई, अभी तक रुकी हुई थी सही, तेज हो गई। सो फिर भाई एक बात मतलब अभी क्या मतलब, सो हेलो गाइस, दिस इज रिक्की भाटी, आप देखे रिक्की भाटी यूट्यूब चैनल। मैंने मतलब अभी तक अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, वैसे ही मतलब बोलने लग गया था। सो इस समय बज रहे 10:30, और 10:30 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बता दी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई मॉर्निंग से बारिश हो रही है भाई, अनकंटिन्यूसली बारिश चल रही है, कंटिन्यूसली बारिश। और अगर अच्छा अगर बारिश रुकती है ना तो फिर मैं कहीं जाऊंगा शूट करने, बिकॉज मौसम सच्ची में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मस्त मौसम है। तो देखो ऐसा लग रहा है बस यहीं खड़े रहो और मौसम के मज़े लेते रहो। और चाय से याद आया, मैंने चाय पी ली एक कप, लेकिन एक कप और सही, वैसे जब से मैं जिम कर रहा हूँ तब से मतलब मैंने इग्नोर कर रहा हूँ सब चीज़ें, लेकिन एक कप इस मौसम में तो बनती है भाई, एक कप पी लेंगे। 2000 years later। सो भाई अब बज रहे दोपहर के 2:21 और अब बारिश भाई रुकी है कंटिन्यूसली 3-4 बजे, जैसे मैंने आपको बताया था बारिश हो रही थी। सो अब मैं गया, मौसम अच्छा है, और अब मेरा थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करने का भी मन है, तो मैंने अपना सब मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप तैयार कर लिया, गिरा देखो। सो अपनी मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप तैयार कर लिया है, तो अब मोटो ब्लॉगिंग करते चलते हैं। सो भाई फाइनली 2:33 और अब हम निकल रहे हैं अपना मोटो व्लॉगिंग के लिए। और यार देखो मौसम और कितना प्यारा हो रहा है, बट पता है कि हल्की हल्की नहीं तो गर्मी सी है, बट ऐसा होता है जब भी बारिश होती है। तो चलो चलते हैं अपना इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ। बारिशों में दो चीज़ बहुत प्यारी लगती है, एक तो जो मिट्टी की खुशबू आती है ना भाई, वो अलग ही लेवल की होती है। अभी यहाँ इतनी मिट्टी है नहीं, अभी पीछे जब हम आए थे तब वहाँ हमें दिखी बहुत सारी मिट्टी, तो भाई ये अलग ही लेवल खुशबू होती है। सो अभी हम हैं कमना नगर में, कमना नगर से पे हम जाएंगे दयालबाग, और वो वाला एरिया आपको दिखाऊंगा जहाँ भाई पानी ज़्यादा भरा रहता है, तो वो तो दिखाना बनता है ना भाई कि इतनी बारिश में उसका क्या हाल हुआ होगा। सो भाई फाइनली उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये पहली हमारी एक ये आ गई है देखो, तो पहले हमें ये जमुना जी पार करनी पड़ेगी ये, तो ये हम देखो मैं फ़ोन है पीछे देता हूँ, कृष्णा फ़ोन पकड़ियो। अब भाई देखो हम आज की राइड पे यही दिखाने निकले आपको कि कहाँ कहाँ कम्बलकेश्वर वो मतलब आगरा में पानी भरता है ना, तो ये देखो अभी हम स्लीपर ही पहन के आए हैं, क्योंकि अगर शूज़ पहन के आते तो हम ऐसे जा नहीं पाते, इतने वो कर नहीं पाते, तो आपके लिए ये धीरे धीरे चलते भाई, धीरे धीरे। भाई अगर यहाँ एक गड्ढा हुआ तो सीधा अंदर, हम वैसे ज़्यादा पानी है नहीं, गड्ढा होगा भी नहीं रोड है। ये भाई आपको पता है, ओए बच्चे भाई, जब मैं ये कह रहा हूँ जब यहाँ पे ऐसी हालत है तो वो जो आगे वाला पॉइंट है उसकी क्या हालत होगी भाई, उसकी क्या हालत होगी, तो देखते हैं भाई ज़्यादा दूर नहीं है, चलो चलो चलो। सो भाई फाइनली वाला पॉइंट आ चुका है, और भाई लिटरली लोग आके लौट भी रहे हैं, बहुत से बाइक वाले तो मतलब लौट के जा रहे हैं। सो भाई ये देखो मैं अपने साथ किसे लेके आया हूँ, इन दोनों को लेके आया हूँ, इन दोनों ने स्लीपर पहने हुए हैं भाई, हाँ स्लीपर गैंग बन के आया है भाई, एक्टर वाला आ गया तो फिर तो भाई पैशन वाला। भाई हम निकल जाएंगे हम, चलो सही है। अच्छा
चलो भाई ये कह रहा भाई साइड साइड से निकलो भाई, जब ये साइकिल वाले भैया आ सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। ओए देखो कार वार कैसे लेके आ रहे भाई, ओए होए ओए होए ओए होए ओ धीरे भैया धीरे 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 भैया धीरे 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 चलो भैया। ओए इन्होंने तो पूरा तालाब हिला दिया भाई अपनी कार से। ये कार वाले आ जा रहे हैं, कार वालों के साथ कैसे निकल जाएंगे हम। ये देखो भाई पानी में पैर वैर सब गीले हो गए हमारे, फिर कार आ गई, हम निकलते हैं धीरे धीरे निकलते हैं। राम 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 सस्ती रेंज रोवर भाई, जब सस्ती रेंज रोवर निकल सकती है तो हमने। ओ भाई यहाँ बहुत पानी है, ओ यहाँ बहुत पानी है, यहाँ बहुत पानी है भाई। ओ बच्चे 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 भाई 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 हाँ भाई 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 लिटरली हालत बुरी हो गई भाई, सच्ची में हालत बुरी हो गई। आपको पता नहीं फील हुआ होगा नहीं हुआ, हालत बुरी हो गई भाई। भाई ऐसा लग रहा है गए, एक तो कार वाले और आ रहे थे उस चक्कर में मोर निकले ना, तो ज़्यादा हालत बुरी हुई। तो अब ये हल्का सा पॉइंट और है तो इसको और कवर करते हैं, देखते हैं। देखो कार है तो भाई आराम से निकल के आ रही है। ये यहाँ भी गड्ढा है, एक गड्ढा देखो यहाँ पे भी है अपना, लेकिन हम इधर साइड साइड से निकल जाएंगे। इस पॉइंट पे तो जाना ही पड़ेगा। आ आ आ निकल गए ये। सो भाई मैंने आपको पता नहीं कितनी बार इस वीडियो मतलब बताया होगा, जब भी मतलब मैं साइड पे जाता हूँ मतलब बताता रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा भाई पानी यहाँ भरता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तब भी इतना पानी भरता है। आज तो भाई लिटरली कितनी कंटिन्यूसली 3-4 बजे से बारिश हुई है, 3 बजे से बारिश हुई है और तब से देखो अब तक कितना पानी भर गया भाई। तो चलो चलते हैं अब और वेदर इन्जॉय करते हैं। तो आप भी बने रहो हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो भाई हम दो चीज़ में कंफ्यूज है कि अब हम कहाँ जाए, या तो हम लेफ्ट जाए जो कि अपना भगवान टाकिस, और मैं सोच रहा हूँ सिकंदरा भी हुआ थे, नहीं सिकंदरा नहीं बोदला, या मैं सोच रहा हूँ राइट जाते हैं जो कि है अपना पुया घाट, और वहाँ भी बहुत पानी भरा हुआ होगा। तो हम कंफ्यूज में हैं, तो अक्कड़ बक्कड़ करते हैं ना। सदर हाँ नहीं, तो भाई अक्कड़ बक्कड़ करते हैं और देखते हैं जहाँ पे बक्कड़ अक्कड़ आता है क्या आता बक्कड़। नहीं ऐसे करते देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 जिसपे आता है दूसरी तरफ जाते हैं, मतलब 100 नहीं जाते हैं। नहीं हम ये कह रहे हैं 100 जिसपे आता है उसको दूसरी तरफ जाते हैं। तो हम करते नहीं नहीं नहीं, तो भाई हमारा तो 100 इसपे आया है तो हम जा रहे है ये पहन दे टके। तो अब देखते हैं भाई अपना पोहिया घाट पे क्या हाल है, सही है ना, वहाँ देख के आते हैं। और वहाँ पे एक एक्चुअली क्या है कि आई लव आगरा पॉइंट भी है, तो वो भी हम देखेंगे। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में दिखाया हुआ, अगर किसी ने नहीं देखा तब के मेरे व्यूअर अलग थे और अब के थोड़े अलग है, तो अगर तब भी किसी ने नहीं देखा तो वो भी मैं आपको पॉइंट दिखा दूंगा उतर के, वो भी एक प्यारा पॉइंट है बढ़िया। और भाई लिटरली यहाँ का वेदर तो इतना मस्त रहता है ना, जन्नत है आगरा में, मतलब अगर आपको जन्नत देखनी है ना, जन्नत फील करने, तो आप दयालबाग आओ और इस पॉइंट पे आके अपनी ड्राइव करो, मतलब मस्त भाई अलग ही फीलिंग आती है अलग ही। तो चलो चलो मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप भी इस वेदर को इंजॉय करो। तो भाई एक पॉइंट और देख लो अपना, ये देखो कितना सारा पानी भरा हुआ, यहाँ भी भरता है पानी भाई, तो यहाँ से लेकिन इतना है नहीं, लेकिन धीरे से निकालेंगे धीरे से। अरे धीरे 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 भाई ऐसे पानी भरा होता है, और आप धीरे चला रहे हो और कोई स्पीड से गाड़ी ले जाए, एक पॉइंट और आ गया भाई पानी भरा हुआ, तो भाई कोई स्पीड से गाड़ी ले जाए और आप पे पूरी छीट है पानी की, भाई जो फील होता है जो गुस्सा आता है भाई सामने वाले पे अलग ही लेवल का भाई। और बहुत से पता है ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं जो ऐसे निकलते हैं, ये पानी देखो पानी पानी। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट दिखा दिए पानी के, मुझे बताओ कमेंट में कौन कौन से हो गए। पहला वहाँ पे था, उसके बाद वो लाल वाला जो भक् वो सबसे खतरनाक, उसके बाद ये, और अब ये वाला, तो ऐसे है
जो रोड पे मतलब पानी भरा हुआ है ये है। तो अब भाई ऑलमोस्ट हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं, अपना ज़्यादा दूर है नहीं, पोया घाट यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर और होगा। और भाई वेदर इतना मस्त हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है भाई, मतलब मैं जस्टिस ही नहीं कर सकता इसको कैमरे में, मतलब कैम गोप्रो इसको जस्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई आगरा में रहता है तो भाई, अगर ऐसा मानसून का मौसम होता है तो प्लीज़ आओ और इन्जॉय करके जाओ भाई, यही लाइफ है, इसी में इन्जॉय करना है। और कोई नहीं इन्जॉय कर पा रहा है तो भाई मैं हूँ ना, मैं हूँ आपको, मैं इन्जॉय कराऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, तो जब भी मैं व्लॉग डालूँ तो आप तक पहुँच जाए और आप मस्त इन्जॉय करो। और लाइक कर देना, फिर कमेंट भी कर देना, इतना कर रहे हो तो फिर इतना भी कर देना। ओके तो चलो चलते, ज़्यादा दूर नहीं है अब। वाली फील आती है जब भी वाले पेड़ देखता हूँ, देखो मैं ऐसा लग रहा है हम गोवा में गाड़ी चला रहे हो भाई, वही आ रही है फील, मतलब ये पेड़ देख लो एक दो, ऐसा लगता है भाई हाँ भाई गोवा में आ गए हम। और गोवा में भी ऐसी होती होगी भाई, हम तो आज तक कभी गए नहीं है, बट आपका अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी गोवा भी जाएंगे। बस प्यार करते रहो, ऐसी प्यार। तो भाई ये आ गए अपना आई लव आगरा पॉइंट, ये रहा आई लव आगरा पॉइंट। तो अपना पोया घाट है, उसके सामने ही यहाँ पे आई लव आगरा पॉइंट है भाई। तो ये भी अच्छा लगता है, लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। और देखो सबसे गंदगी एक चीज़ बनी हुई है, इस पर भी मैं आके दिखाऊंगा आपको, सही है। पहले अपना वहाँ चलते देखते कितना पानी है, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा कि हमें किस चीज़ की केयर करनी चाहिए। चलो चलते पहले आगे। और भाई बहुत पानी है भाई जमुना जी में, तो अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। बारिश एक तो बहुत तेज हुई है ना, कंटिन्यूसली 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है भाई। ओए होए 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 ओए, ये क्या है, तो कहना कोई हमारे साथ भाई। हाँ उतरना भाई, ये तो कहना कोई हमारे साथ, देखो मतलब इतने इतने हिस्से में पानी है, उससे आगे पानी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और आपने मेरे एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं आया था, तो हम उस पॉइंट पे जाके हमने शूट किया था। सो भाई फाइनली थोड़ा यहाँ पर मैंने रिलैक्स लिया है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, मतलब रेगुलर जाते हैं भाई, वो हेलमेट पहन के, मतलब भाई कैसे इरीटेशन मतलब कैसे नहीं होती होगी भाई। मैं इतनी देर वहाँ से यहाँ तक पहन के आया हूँ, हार्डली आधा एक घंटा हुआ है, इरीटेशन हो गई गंदी वाली। ये देखो अब इसने पहन लिया अपना हेलमेट, और ये देखो यहाँ बगल में देखो क्या मस्त भाई, मस्त है। और भाई पता है आपको, पानी यहाँ यहाँ तक होता है, जब यहाँ पे जब मतलब बारिश वारिश तेज होती है, वो भी जब भी पानी आता है भाई, यहाँ यहाँ तक होता है पानी। और आपको याद हो कि मैं एक बार वहाँ भी गया था, मतलब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, हमने वहाँ जाके शूट किया था, और वो बोला था कि आगरा का अनएक्सप्लोर बीच है, तो ये वही वाला पॉइंट है आगरा का अनएक्सप्लोर। गोवा में गए थे उसी दिन बीच पे थे। अगर वाला व्लॉग नहीं देखा है किसी ने तो मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूंगा, तो वो भी देख लेना भाई, बहुत मज़ा आया था हम उस पर गए थे। हम अब नहीं जा रहे क्योंकि बारिश ज़्यादा है और मिट्टी ख़राब होगी, तो अब नहीं जा रहे, ठीक है। अगर आपको देखना है उस पॉइंट पर जाके मैंने व्लॉग बनाया हुआ, तो आई बटन पर डाल दूंगा, आप देख लेना। कल गैंग निकली है, इसने भी स्लीपर पहने हुए और वंश कृष्णा ने भी पहने हुए और मैंने भी, तो ये हमारी स्लीपर गैंग। अच्छा भैया मेरा दिमाग पता कितना है, एक शूज पहन लिया हमने, कि भैया कह रहे मैं ये अनोखा लगूंगा शूज पहना हुआ तीनों में। पहले पूरा शूज पहना, फिर उसको उतारा, मतलब पैर पूरा पहले पहना, और आधा शूज पहन लिया था, ये नहीं कि आधा में उतार दो, पहले पूरा पहनेंगे उसे, अच्छे से छनकेंगे उसे, जीन सही करेंगे, फिर उतार के आए थे। ये था मतलब, हम जैसे हमने स्लीपर पहने, कृष्णा कह रहा अरे तुम स्लीपर पहन के जा रहे हो, तो हम भी स्लीपर पहनेंगे, नहीं तो शूज़ पहन लिए थे उसने। और भाई तुमने देख लिया, अगर शूज़ पहन के आते तो भाई पानी में हालत बुरी हो जाती, शूज़ गीले हो जाते महंगे, तो हम सब स्लीपर गैंग। ये रहे स्लीपर गैंग, फोटो खींच लो। थंबनेल थंबनेल नहीं, ये थंबनेल नहीं, नहीं ये थंबनेल नहीं, इंस्टा की फोटो खींची जाएगी, ये थंबनेल हम थंबनेल खींच रहे हैं, इंस्टा की फोटो खींची जाएगी। नहीं ये तो गंदे लगे थे, लेकिन फिल्टर डाल दूंगा ना। अच्छा तो ये भाई फिल्टर किसी को भी स्मार्ट या गोरा बना देता है, तो हम आपको पहन दे टके। It's in
भाई अभी हम ले रहे थे कौन सी वो शॉट, सिनेमैटिक शॉट ले रहे थे। कृष्णा कह रहा ये पहन लो चाचू, उसके साथ हेलमेट पहन के अच्छे आएंगे। तो मैंने मैं नहीं पहन रहा भाई, इसमें वाइजर ही नहीं है देखो। तो भाई आपने जैसे मेरे एक ब्लॉग देखा होगा, कैमरे में वाइजर और वैसे शीशा। मैंने वाइजर ही बोला था, क्यों कृष्णा? शीशा बोला था, वाइजर बोला था, तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा एक ब्लॉग, हम गए थे वाइजर लेने लेकिन मिला नहीं था। अब टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया हमें, आ गया हफ्ता हो गया, तीन चार दिन हुए बस। अच्छा। तीन दिन हुए हैं। तो चलो भाई अभी एक हफ्ता और वेट करते हैं, फिर इसमें वाइजर डलवा के लाएंगे। बिकॉज जिस शॉप से हमने पता किया था वो कह रहा था कि एक हफ्ता दो दिन के अंदर आ जाएगा, दो दिन से तो ज्यादा ही टाइम देगा उसे। सही I have an open invitation, but you telling me go. So भाई यार एक चीज़ देखो, मतलब ये आई लव आगरा पॉइंट जब बना था ना, लिटरली यहाँ इतना फेमस हो गया था ये चीज़। यहाँ पे दयाल बाग में बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे सेल्फी क्लिक करा के फोटो क्लिक करवाते। बट अब ये देखो लोग लेकिन भाई इस चीज़ की केयर नहीं करते। देखो सिगरेट के डिब्बे, तंबाकू, ये सब देखो, सब गंदगी यहीं पर, सब थूका था कि यहाँ पे। तो भाई यही होता है, अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उसकी भाई केयर करोगे। तो भाई अगर ऐसा होता कि देखो अगर इतना पॉइंट बन गया, विजिटर आते, अगर यहाँ आसपास कहीं शॉप खुल जाती तो कितना मस्त होता भाई। ये है, ये आपको नहीं करना चाहिए भाई। गवर्नमेंट देखो यार, हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करते बट ऐसा नहीं है भाई। उनका है कि वो भाई बना तो देती है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमें उसको केयर करके रखनी है, उस चीज़ की केयर करके रखनी है। बिकॉज यार गवर्नमेंट हर चीज़ में नहीं देख सकती यार, मतलब ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना देखने आएगी कि आपने क्या गंदगी कर रखी है, क्या नहीं कर रखी। देखो और कितना प्यारा पॉइंट है भाई, लिटरली यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे अपना पोहिया घाट हो गया, पूरा दयाल बाग का एरिया हो गया, यहाँ बैठते हैं लोग, है ना यार, इतना अच्छा फील आता है भाई, अलग ही है। और अगर यहाँ पे एक चाय की स्टॉल और हो, और भाई यहाँ पॉइंट मतलब ऐसे क्राउड आता हो भाई, कितना अच्छा रहेगा ना भाई। लेकिन फिर यही है ना कि भाई अब तुमने गंदगी कर दी, अब जैसे मैं आया हूँ, अब मैं इन फ्यूचर मैं तो नहीं आऊँगा ना, क्योंकि मैं देख लूँगा यार यहाँ तो पॉइंट है ही गंदा, क्या आना, फ़ायदा नहीं है ना। तो भाई ये होता है कि भाई अपना जो भी आपको अगर ऐसा होता है, जब भी ऐसे कोई पॉइंट्स बनते हैं तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करके, और मतलब रिस्पेक्ट मतलब क्या, उनकी साफ़ सफाई करके रखनी चाहिए, है ना। तो ये है भाई, गंदगी नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट गंदगी तो नहीं करनी चाहिए ना। तो ये है, तो चलो भाई चलते हैं अपने। Get lost, I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feel. So भाई ये देखो हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, मैं और वंश भी मेरे साथ बैठा हुआ है। अरे मैं आपके साथ थोड़ी ना बैठा, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। भाई गिरा है बहुत तेज। ये देखो मैगी और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हुए, कुछ नया करने वाले, ये स्ट्रिंग वाली मैगी बनाने वाले, लो फ्रूटी वाली मैगी बनाते हैं ना, आज की वाली मैगी बनाने वाले। We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hate?